अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में रहने के बाद आप समझते हैं कि दिल्ली की सड़कें तो बहुत शानदार होंगी, तो देखिए आप, मैं एक दिल्ली की सड़क आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इलाका है यूपी और दिल्ली का बॉर्डर, एक तरफ खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र लगता है और दूसरी तरफ लगता है देश की राजधानी दिल्ली का ये एरिया। और अब आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली की सड़क की आखिर हालत क्या है, तो हालत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं खुद पानी के अंदर हूँ और पानी घुटनों घुटनों भरा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है, लगभग 3 से 4 घंटे की बारिश पड़ी होगी, और 3 से 4 घंटे की बारिश पड़ने के बाद, पूरा दिन निकलने के बाद मैं शाम को यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि शायद पानी सूख गया होगा, लेकिन देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये नदी नहीं है, ये खोड़ा नगर पालिका के सामने दिल्ली की सीमा है। देश की राजधानी की सड़कें देखकर शायद आपको तो शर्म आ जाएगी, लेकिन जो यहाँ के राजनेता हैं उनको आखिर कब शर्म आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है। और इसी सवाल को उठाने के लिए आज मैं लगातार इस सड़क की कवरेज कर रहा हूँ, और कवरेज करने का सिर्फ और सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है कि ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये जो सड़क है इसका हाल बदलना चाहिए, इसका सूरत हाल बदलना चाहिए। और लगातार सांसद जी हैं यहाँ से, उनको भी फ़ोन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत हो जाए और उनको दिखाया जाए कि देखिए श्रीमान जी, आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर PWD जो विभाग है उसका इस तरफ आखिर ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है। ये देख सकते हैं आप, ये स्थिति और ये हालत है। अब कहें तो आखिर किसको कहें, क्योंकि वोट मांगने के समय तो नेता ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं कि ये देखिए, क्या नाम है आपका? राम किशोर भाई, दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत तो हो ही रही, अब देखो ये पानी में हले पड़े हैं, पानी बहले ये यार परेशानी, यहाँ बैठ के लेबर चौक पे मजदूर आदमी है, किराए पे रहते हैं, कहाँ से किराया भरेगा, कोई काम नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई बात नहीं है, ना पुलिस वाले 4 झंडे और मार के बैठे। कितने दिन हो गए सड़क को ना बने हुए? ना तो 2-3 से, हमको 10-12 साल से देख रहे हैं, हम तो ऐसी सड़क पड़ी है जी, ऐसी पड़ी है, ऐसी पानी में जाते हैं, चट्टी पेशाब जाते हैं, बच्चे हेल के जाते हैं, स्कूल से परेशान होते हैं, तो स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं। तो देखिए आप, ये सूरत हाल है, और तमाम दूर तक की आप तस्वीर देखिए, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ये एरिया है जहां पर ऐसी ही पानी आपको नजर आएगा। ये तस्वीर देखिए जरा। अब उम्मीद ये करता हूं नेताओं से, उम्मीद ये करता हूं राजनेताओं से, जो लगातार पब्लिक के बीच जाकर वादे और बातें करते हैं कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी। क्या नाम है आपका? जलंधर यादव। हाँ, कितने दिन से सड़क खराब है यहाँ? कम से कम ये 20-29 साल से ऐसे ही ये पानी, इसमें जब भी बारिश होता है डूब जाता है, कोई तरक्की यहाँ नहीं है, यही रोड बच गया, और बाकी तो जो है इतनी, इसमें जब पानी बारिश होता है कम से कम 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। क्या कहोगे नेताजी से? नेताजी से कहेंगे यही कि हम इसको बनवा दिए, फगर बना रहा है इसको भी बनवा दीजिए, यही कहेंगे। 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है बारिश होने के बाद, गाड़ी घोड़ा आदमी पार उर होने में बहुत दिक्कत होता है, सब आदमी परेशान रहता है इस रोड से, यहाँ से भरी ये शनि बाजार तक ऐसे ही रोड है ये।